फाइनली दोस्तों हम लोग को गाड़ी सुबह सुबह 5 बजे गाड़ी काटा करवा रहा है। अभी तक खाली होगा गाड़ी, इसलिए अभी काटा करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी काटा करवाते हैं, उसके बाद गाड़ी लेके जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉक में। 12 बजे रात में ही हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके थे। तो जिस जगह पे ये फैक्ट्री है, ये सहजनवा गिड्डा में पड़ता है। तो इस फैक्ट्री का नाम है अंकुर और यहाँ पे छड़ वगैरह बनता है। तो हम लोग का गाड़ी रात में ही लाके पार्किंग में लगा दिए थे, पेपर पर जमा कर दिए थे। तो सुबह में हमारा गाड़ी फैक्ट्री के अंदर में घुस भी गया और काटा भी हो गया। तो हम लोग आ गए हैं लोडिंग पॉइंट पे, जहाँ हमारा गाड़ी खाली होगा। ये देख सकते हैं कितना बड़ा फैक्ट्री है ये, और सामने ही हमारा कोयला खाली होगा। ये देख सकते हैं कितना बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। और बाएं साइड में रेलवे का माल भी खाली हो रहा है। ये देखिए स्पंज खाली कर रहा है अभी रेलवे का। तो दोस्तों हमारा 4-5 गाड़ी के बाद नंबर है और हम नंबर में गाड़ी लगा रखे हैं। पेपर वगैरह मुंशी जमा कर ही दिए हैं, और जैसे ही नंबर आएगा हम रस्ता त्रिपाल खोलेंगे और गाड़ी खाली होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है दोपहर से गाड़ी खाली होने का पूरा उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, वेट कर रहे हैं अनलोडिंग का। हम लोग तो फैक्ट्री के अंदर में आ ही गए हैं और हम लोग अनलोडिंग पॉइंट पर खड़ा हैं। तो और हमसे पहले जो गाड़ियां आई हुई हैं वो खाली हो रही हैं। अब देखते हैं कब तक नंबर हमारा आता है। तो अभी तो खाना हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि गाड़ी खाली करना है। तो सौरभ भाई को भी हम फैक्ट्री से बाहर भेजे थे, तो वहाँ से सौरभ भाई जो है ये सोयाबीन और आलू का सब्जी लेकर आ गए हैं। और इधर देख सकते हैं पूड़ी है, इधर प्याज मिर्चा, और जो कल सौरभ भाई जो वहाँ बगान में आम जो गिरा हुआ था, पका आम तोड़े थे, वही आम है। तो दोस्तों आज सुबह का नाश्ता हमारा सब्जी और पूड़ी हो रहा है। तो हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं और वेट कर रहे हैं कि कब तक हमारा गाड़ी खाली हो गया। गाड़ी खाली होने के बाद चले जाएंगे हम लोग अपना लोडिंग के लिए, कलकत्ता के लिए। तो उसी का वेट हम लोग कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, हम तो नाश्ता वास्ता भी लेके तो आ गए हैं, अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, उसका देखते हैं। अभी तो गाड़ी एक दो गाड़ी है यहाँ पे, वो खाली हो जाए उसके बाद मेरा भी होगा लोडिंग पॉइंट पे। तो मेरा भी गाड़ी लगा है, अभी देखिए अभी होगा मेरा लोडिंग। अभी उसको देखते हैं कहाँ का माल मिलेगा, कलकत्ता की कहाँ का। हाँ तो अभी हम लोग का गाड़ी खाली होगा, अभी मोहर मरवाने के लिए अभी बोला है कि गेट पर लेके चले जाओ, उसके बाद गाड़ी खाली होगा। तो अभी हम जा रहे हैं अभी गाड़ी में जिसको मोहर मरवाने के लिए पेपर पे, उसके बाद पेपर पे मोहर मरवा के आएंगे, उसके बाद रस्ता त्रिपाल खोलेंगे। उसके बाद बोला अभी तुरंत खाली हो जाएगा 5-10 मिनट में, तभी जाएंगे तभी खाली करेंगे। तो ठीक है, तो हम निकलते हैं अभी मोहर मरवा के आते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहले वो गाड़ी खाली होगी, उसके बाद ये गाड़ी खाली होगी। इसका रस्ता त्रिपाल खोल रहा है, उसके बाद तीसरा में हमारा गाड़ी का नंबर है। तो हम लोग का जो है रस्ता त्रिपाल अभी लगा हुआ, अभी हम लोग भी रस्ता त्रिपाल खोलने के लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं सौरभ भाई जो है सील को तोड़ दिए हैं और उधर भी सील तोड़ रहे हैं। बस सील तोड़ने के बाद रस्सी हम लोग खोलेंगे, उसके बाद त्रिपाल सरिया लेंगे, उसके बाद ये गाड़ी जब खाली होगी उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा। सौरभ भाई जो है पूरा रस्सी खोल लिए हैं और वो सारा रस्सी को इस बक्सा में रख दे रहे हैं, अगला बक्सा में। अब हम लोग का सिर्फ त्रिपाल सरियाना बाकी रह गया है, तो हम लोग त्रिपाल भी सरिया के यही बक्सा में रख देंगे। उसके बाद जब ये गाड़ी खाली होगी उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग वेट कर रहे हैं, दूसरा नंबर हमारा आ गया है गाड़ी का। सौरभ भाई जो है वो त्रिपाल को मोड़ दिए हैं, ये देख सकते हैं। और देखिए कोला मेरा कितना लोड हुआ था, हमने 37 टन माल लोड कर लिया था हल्दिया से, और 2600 रुपये टन का हमारा भाड़ा था। और भी देख सकते हैं उधर दुनिया भर का गाड़ी ट्रेलर लगा हुआ, सब कोयला लेकर आया हल्दिया से। इधर भी सारा गाड़ी लगा हुआ है। बस दोस्तों उसी के बाद हमारा नंबर है और हमारा गाड़ी यही अंदर में गोडाउन के अंदर में खाली हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग फैक्ट्री का कैंटीन में आ चुके हैं और ये देखिए 60 रुपये थाली का खाना है। रोटी चावल दाल सब्जी, दो तरह का सब्जी है, नींबू और सलाद वगैरह सारा है। तो हम लोग रोटी और चावल दोनों मिल गया आज हम लोग खाने के लिए। तो सौरभ भाई को उधर थाली लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, खाना खाने के बाद हम जाएंगे, 2 बजे के बाद गाड़ी हमारा खाली होगा क्योंकि अभी दिन का टाइम हो गया है, इसलिए हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। अरे आ जाओ,
आ जा आ जा आ जा, आते रहो आते रहो। दोस्तों हमारा गाड़ी खाली करने के लिए पॉइंट पे लग चुका है और हमारा गाड़ी पॉकलेन मशीन से खाली हो रहा है। सौरभ भाई बत्ता खोल के आगे कर रहे हैं, अब हमारा गाड़ी खाली होना शुरू हो गया है। फाइनली दोस्तों हम लोग का गाड़ी खाली हो चुका है पूरा, अभी जो थोड़ा बहुत बच गया मशीन से तो खाली नहीं हुआ, तो अभी लेबर लोग खाली कर रहे हैं पूरा गाड़ी में, अभी थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है, अभी ये खाली करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, काटा वाटा करवाएंगे, रिसीविंग लेंगे और चलेंगे। हम लोग गाड़ी खाली करके काटा पे आ चुके हैं, ये देख सकते सामने काटा है, तो यहाँ पे हमारा गाड़ी अभी काटा करेंगे, उसके बाद हम लोग का रिसीविंग मिल जाएगा माल का, जो माल खाली करेंगे यहाँ से। तो गाड़ी हमारा काटा हो गया और हमको रिसीविंग, ये गेट पास मिल गया फैक्ट्री से बाहर निकलने वाला, और ये माल जो खाली किए उसका रिसीविंग मिल चुका है। तो फाइनली हमारा पूरा गाड़ी खाली होके फैक्ट्री से बाहर निकल जा रहा है, अब हम लोग बस्ती जाएंगे, बस्ती के आगे बाबा होटल में गाड़ी खड़ा करेंगे, और हमारा माल का भी नहीं हुआ है पता चल रहा है कहाँ का लोड होगा, सो माल बुक नहीं हुआ है, अभी देखिए आगे चल के बात करते हैं, देखते हैं कहाँ का माल बुक होगा। ठीक है दोस्तों, हम निकल रहे हैं, यही है मेन गेट, यही मेन गेट से हम लोग बाहर निकलेंगे। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग बस्ती से 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, तो ये देख सकते हैं बाबा लाइन होटल है। तो हम लोग का जितना भी गाड़ी नेपाल से निकलते हैं या गोरखपुर वगैरह से, तो यही होटल पे हम लोग गाड़ी खड़ा करते हैं, और ये देख सकते हैं हौदा बहुत बड़ा हौदा है, तो अभी हम लोग यहीं पर हम और सौरभ भाई नहाएंगे, क्योंकि कोयला वगैरह खाली किए थे, तो पूरा हम लोग का गाड़ी भी गंदा हो गया और हम लोग भी पूरा गंदा हो गया। तो अभी हम लोग ऑलरेडी दोनों ड्राइवर खलासी नहाएंगे इस हौदा में, और ये देख सकते हैं सामने 3 गाड़ी लगी हुई है, ये हम ही लोग का क्षेत्र का गाड़ी है, तो इन लोग लोडिंग के लिए रुका हुआ है, लेकिन ये सब गाड़ी का माल नहीं मिला है, तो मेरा भी माल नहीं मिला है। अब देखिए ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किए हैं, तो बोल रहा भैया थोड़ा माल का क्राइसिस चल रहा है, जैसे ही माल हो जाता है हम बताते हैं। तो भाई थोड़ा माल का समस्या हो रहा है, अब देखिए कहाँ का माल मिलता है, अभी तक तो ट्रांसपोर्टर बताया नहीं है, वैसे कलकत्ता का माल लोड करने के लिए चाह रहे थे, ट्रांसपोर्टर को बोल दिए हैं, बोला ठीक है बताते हैं। दोस्तों इसी में अभी हम लोग नहाएंगे, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा रात में नींद बड़ा बढ़िया से आएगा, क्योंकि आज लग नहीं रहा है कि लोडिंग का मिलेगा हमको, इसलिए आज से आराम से होटल में खाना खाएंगे, और हम और सौरभ भाई रात का भी जगे हुए हैं, आराम से थक भी गए हैं, काम गाड़ी खाली करते करते तो आराम से सो जाएंगे। जा रहे हैं हम नहाने के लिए, सारा कपड़ा वगैरह खोल दिए हैं सब यहाँ। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग नहा हुआ के आ गए,
अभी गाड़ी तो होटल में लगा है, अभी हम लोग पूजा वूजा करेंगे। ऐसा बात है कि हम लोग रोजाना रेगुलर हम लोग पूजा करते हैं, सुबह तो नहीं कर पाते मगर शाम को हम लोग हमेशा करते हैं। शाम को इसलिए कि हम लोग का इसी के चक्कर में रहते हैं कि पूजा पाठ अपना रहे, अपना शुद्ध रहे, हमेशा भगवान का नाम लेते रहे। सुबह तो नहीं कर पाते मगर शाम को कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग आ गए होटल में खाना खाने के लिए। तो शाम को तो मैं और सौरभ नहा लिए थे, तो अभी आ गए हम लोग खाना खाने के लिए। सेव भाजी का ऑर्डर दिए हैं, तो यहाँ का सेव भाजी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, क्योंकि सेव भाजी के दूध के साथ में बनता है, इसका मज़ा ही कुछ अलग है। हम लोग होटल यूपी में आते हैं तो सेव भाजी ज़्यादा खाते हैं, कि सेव भाजी का मज़ा ही कुछ अपना है। ठीक है दोस्तों, रात का खाना खा रहे हैं सेव भाजी। हाँ तो दोस्तों, हम लोग को तो खाना तो आ चुका है और ये मेरा सेव भाजी, ये डिश है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है। अभी खाते उसके जाएंगे, गाड़ी तो आज खड़ी, आज तो लोडिंग में तो गए नहीं, अब खा के निकलेंगे यहाँ से। सोना तो हम लोग को यहीं पे ही है। ठीक है, हम और सौरभ भाई जो है होटल से खाना खा के गाड़ी पर पहुंच चुके हैं और रात अभी लगभग 10 बज चुके हैं। तो आज दिन भर गाड़ी हमारा गोरखपुर में खाली हुआ कोयला, उसके बाद शाम तक हम लोग बस्ती में आ चुके हैं। तो यही होटल में हम लोग शाम को गाड़ी लगाए, नहाए धोए, अभी खाना भी खा लिए हैं। तो अभी तक हमारा लोडिंग का पता नहीं चला है। वैसे लोडिंग हम लोग चाह रहे थे कलकत्ता का माल मिल जाता तो बढ़िया होता, क्योंकि कलकत्ता का जब माल लोड करके जाते हैं तो बिहार झारखंड होते हुए जब जाते हैं तो घर भी मैं भी रुक लेते हैं हम लोग। तो अभी तक तो माल का पता नहीं चला है। ट्रांसपोर्टर भाई लोग को फ़ोन किए हैं तो बोला थोड़ा माल का क्राइसिस है, अभी बरसात भी आने वाला है तो थोड़ा माल का क्राइसिस रहेगा ही, क्योंकि बरसात में बारिश वगैरह होता है थोड़ा माल कम निकलता है। तो ट्रांसपोर्टर बोला कि कल देखते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि आज दिन भर थक भी गए थे गाड़ी अनलोड करने में। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंद।